भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या और लूटकांड के दो अलग अलग मामले में फरार चल रहे तीन अभियुक्तों को हथियार और कई चक्र जिंदा कारतूस के साथ दबोचा है। मामले में जिले की सीनियर एसपी नीताशा गुड़िया ने मीडिया को बताया कि 5 नवंबर को अकबरनगर थाना क्षेत्र के खाद व्यवसायी के पुत्र सुशांत कुमार शिवम की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और बैंक में जमा के लिए ले जा रहे 25 लाख रुपए भी लूट लिए थे। मामले के खुलासा के साथ घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में एसआईटी की एक टीम गठित की गई थी और टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत घटना के मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी दारा मियां को उसके ससुराल जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर बलुआबाड़ी से हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके एक अन्य सहयोगी मोहम्मद लाल उर्फ आसिफ को भी मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक से दबोचा है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दारा का आपराधिक फहरिस्त भी काफी लंबा है, जो जिले के कई थानों में दर्ज है, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले शामिल हैं। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि की गई है, जो इसमें जो मेन अभियुक्त था दारा मियां, उसकी गिरफ्तारी की गई है अवैध हथियार के साथ, और उसी की निशानदेही पे एक और अभियुक्त जो है मोहम्मद लाल, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों अपराधियों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में होने को स्वीकार किया गया है। दारा मियां के विरुद्ध सूचना मिली थी कि ये अभी अभी जगदीशपुर में जो अपना ससुराल है उसमें आया गया, तो उसी में जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, जो हमारी एसआईटी थी, जो एएसपी सिटी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में थी, उनके द्वारा जो है निशानदेही पे छापेमारी की गई और उसकी वहां से गिरफ्तारी की गई है। वहीं एक अन्य मामले में एसएसपी ने बताया कि 13 जनवरी की सुबह आपसी रंजिश में बवरगंज थाना क्षेत्र के मोदी नगर में पंकज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की मां के बयान पर शुभम सोनार उर्फ छेदी के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज कराया गया था, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे बवरगंज पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत थाना क्षेत्र के ही सकरुल्ला चक से गिरफ्तार कर लिया है। 13 जनवरी को बबरगंज थाना अंतर्गत पंकज चौधरी की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो इसके नामजद अभियुक्त है शुभम सोनार, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है और ये वहाँ पे जो है इस इन दोनों के बीच में पूर्व से ही एक विवाद चला आ रहा था, जिसके कारण इनके द्वारा बताया गया कि पंकज चौधरी की हत्या कर दी गई है साजिश के अंतर्गत। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।